हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम कंपैरिजन करने वाले हैं केन विलियमसन, स्टीव स्मिथ, जो रूट और विराट कोहली के क्रिकेट करियर के बारे में। तो गाइस, पहले बात कर लेते हैं इनके टेस्ट क्रिकेट करियर के बारे में। टेस्ट क्रिकेट करियर की बात की जाए तो केन विलियमसन ने 88 मैच खेलकर 7368 रन बनाए और स्टीव स्मिथ ने 87 मैच खेलकर 8161 रन बनाए। जो रूट ने 124 मैच खेलकर 10504 रन बनाए और विराट कोहली ने 102 मैच खेलकर 8074 रन बनाए। टेस्ट क्रिकेट में हाईएस्ट स्कोर की बात करें तो केन विलियमसन का हाईएस्ट स्कोर 251 है और स्टीव स्मिथ का हाईएस्ट स्कोर 239 है और जो रूट का हाईएस्ट स्कोर 254 है और विराट कोहली का हाईएस्ट स्कोर 254 है। इस दौरान केन विलियमसन का बैटिंग एवरेज 52.6 और स्ट्राइक रेट 151.2 और स्टीव स्मिथ का बैटिंग एवरेज 60.0 और स्ट्राइक रेट 54.1 और जो रूट का बैटिंग एवरेज 50.0 और स्ट्राइक रेट 55.5 और विराट कोहली का बैटिंग एवरेज 49.5 और स्ट्राइक रेट 55.7। टेस्ट क्रिकेट में सेंचुरी की बात की जाए तो केन विलियमसन ने 24 सेंचुरियां लगाई है और स्टीव स्मिथ ने 28 सेंचुरियां लगाई है और जो रूट ने 28 सेंचुरियां लगाई है और विराट कोहली ने 27 सेंचुरियां लगाई है। अब बात कर लेते हैं इनके ओडीआई क्रिकेट करियर के बारे में। ओडीआई क्रिकेट करियर की बात करें तो केन विलियमसन ने 155 मैच खेलकर 6296 रन बनाए और स्टीव स्मिथ ने 136 मैच खेलकर 4722 रन बनाए। जो रूट ने 148 मैच खेलकर 6158 रन बनाए और विराट कोहली ने 262 मैच खेलकर 12344 रन बनाए। ओडीआई क्रिकेट में हाईएस्ट स्कोर की बात करें तो केन विलियमसन का हाईएस्ट स्कोर 148 है और स्टीव स्मिथ का हाईएस्ट स्कोर 164 है और जो रूट का हाईएस्ट स्कोर 133 है और विराट कोहली का हाईएस्ट स्कोर 183 है। इस दौरान केन विलियमसन का बैटिंग एवरेज 47.0 रहा है और स्ट्राइक रेट 80.9 रहा है और स्टीव स्मिथ का बैटिंग एवरेज 44.1 रहा है और स्ट्राइक रेट 87.4 रहा है और जो रूट का बैटिंग एवरेज 50.5 रहा है और स्ट्राइक रेट 87.1 रहा है और विराट कोहली का बैटिंग एवरेज 57.7 रहा है और स्ट्राइक रेट 92.8 रहा है। ओडीआई क्रिकेट में हम सेंचुरी की बात करें तो केन विलियमसन ने 13 सेंचुरियां लगाई है और स्टीव स्मिथ ने 12 सेंचुरियां लगाई है और जो रूट ने 16 सेंचुरियां लगाई है और विराट कोहली ने 43 सेंचुरियां लगाई है। अब बात कर लेते हैं इनके T20I क्रिकेट करियर के बारे में। T20I क्रिकेट करियर की बात करें तो केन विलियमसन ने 85 मैच खेलकर 2357 रन बनाए और स्टीव स्मिथ ने 63 मैच खेलकर 1008 रन बनाए और जो रूट ने 32 मैच खेलकर 893 रन बनाए और विराट कोहली ने 113 मैच खेलकर 3932 रन बनाए। हाईएस्ट स्कोर की बात करें तो केन विलियमसन का हाईएस्ट स्कोर 95 है और स्टीव स्मिथ का हाईएस्ट स्कोर 90 है और जो रूट का हाईएस्ट स्कोर 90 है और विराट कोहली का हाईएस्ट स्कोर 122 है। इस दौरान केन विलियमसन का बैटिंग एवरेज 32.7 रहा है और स्ट्राइक रेट 123.5 रहा है और स्टीव स्मिथ का बैटिंग एवरेज 25.2 रहा है और स्ट्राइक रेट 125.2 है और जो रूट का बैटिंग एवरेज 35.7 रहा है और स्ट्राइक रेट 126.3 रहा है और विराट कोहली का बैटिंग एवरेज 53.1 रहा है और स्ट्राइक रेट 138.4 रहा है। T20I क्रिकेट में सेंचुरी की बात करें तो केन विलियमसन ने कोई सेंचुरी नहीं लगाई और स्टीव स्मिथ ने भी कोई सेंचुरी नहीं लगाई और जो रूट ने भी कोई सेंचुरी नहीं लगाई और विराट कोहली ने एक सेंचुरी लगाई है। अब बात करते हैं इनके तीनों फॉर्मेट के क्रिकेट करियर के बारे में। तीनों फॉर्मेट के क्रिकेट करियर की बात की जाए तो केन विलियमसन ने 328 मैच खेलकर 16021 रन बनाए और स्टीव स्मिथ ने 286 मैच खेलकर 13891 रन बनाए और जो रूट ने अपने क्रिकेट करियर में 304 मैच खेलकर 17555 रन बनाए और विराट कोहली ने अपने क्रिकेट करियर में 477 मैच खेलकर 24350 रन बनाए। केन विलियमसन ने अपने क्रिकेट करियर में 37 सेंचुरियां लगाई है और स्टीव स्मिथ ने अपने क्रिकेट करियर में 40 सेंचुरियां लगाई है और जो रूट ने अपने क्रिकेट करियर में 44 सेंचुरियां लगाई है और विराट कोहली ने अपने क्रिकेट करियर में 71 सेंचुरियां लगाई है। अब बात करते हैं इनके नेटवर्थ के बारे में। केन विलियमसन की नेटवर्थ की बात की जाए तो केन विलियमसन की नेटवर्थ है 66 करोड़ की और स्टीव स्मिथ की नेटवर्थ है 200 करोड़ और जो रूट की नेटवर्थ है 31 करोड़ और विराट कोहली की नेटवर्थ 1046 करोड़।